हमें जाना है मिर्जापुर, किस लिए? शूट के लिए, और ये शूट पर हमें जाने का मौका मुंबई फिल्म एकेडमी ने दिया है। तो इसी खुशी में मैं अपना सारा सामान पैक करता हूँ और डोरमेट्री को 15 दिन के लिए अलविदा बोलकर सुबह सुबह निकल जाता हूँ मिर्ज़ापुर के लिए काशी एक्सप्रेस से, जिसमें मेरे साथ ऋषि भी जा रहा है। तो हम दोनों मस्त खाते पीते एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म शूट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा 24 घंटे ट्रैवल करना था। तो हमने अपने टाइम का इस्तेमाल करते हुए पूरी रात ट्रेन में ही शूट कर डाला, और सुबह ट्रेन में ही थोड़ा एडिट करते हुए पहुंच जाते हैं होटल। तो भाई लोग, ये रहा अपना श्रीजी ढाबा, हम जाएंगे शूट पे, जल्दी से तैयार हो गए। जिसमें सारी टीम स्टे कर रही थी, जो कि हमारी टिकट्स नहीं हो पाई थी, इस वजह से हम एक दिन लेट पहुंचे थे। तो हम तैयार होकर शूट लोकेशन जाने ही वाले थे कि हमें पता चलता है कि अभी कोई व्हीकल फ्री नहीं है आने के लिए। हम ट्रेन की वजह से लेट हैं, तो हमें इस पिकअप से जाना पड़ेगा शूटिंग लोकेशन पर। अभी हम देख रहे हैं कि इसका ड्राइवर कहाँ है, ढूंढ लिया इसने। तो हम लोग यहीं कुछ खा के जा रहे हैं, हम लंच के टाइम पर शूट लोकेशन पर पहुँचेंगे। सेट पे पीछे टंके जाना पड़ेगा, बैठ के जाना पड़ेगा। तो अभी वही नहीं पता है हमें कि कैसे जाना है। तो हम भी लंच लेकर लंच के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हमें यूपी का पूरा फील आ जाता है, जैसे साफ हवा, हर जगह खेत ही खेत और टूटे फूटे रोड। मजे करते करते लोकेशन पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि अभी आधा किलोमीटर और चलना है अंदर, क्योंकि शूटिंग नदी के घाट पर हो रही है। तो हम निकल जाते हैं बढ़िया लोकेशन देखते देखते। पहुंचकर सबसे पहले मिलते हैं अनिल सर से, जो हमारे मुंबई फिल्म एकेडमी के डायरेक्टर हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी। शूट पे हूँ, सीन में हूँ, तो 5 मिनट बाद शूट हो जाता है तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। थैंक यू सर। इसके बाद पूरी टीम से मिलते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं ऑब्जर्व करने का, क्योंकि हम फिल्म सेट पर ही पहली बार आ रहे थे, तो इस लेवल का इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो उसी एक्सपीरियंस को करने के लिए हम पूरा 15 दिन यहीं रहेंगे और सीखेंगे। ये सब जितना ट्यूब जल रहा है कहाँ गया, ये सब बंद करा। फिर हम पूरी शाम तक शूट एंजॉय करते हैं और निकल जाते हैं अपने होटल। ये रहा अपना रूम, और इतनी ठंड में सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने में बड़ा ही मजा आता है। बाकी का और एक्सपीरियंस हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।